हॉलीवुड यूनिवर्स पेश करता है बेबी सिटर मस्ट डाई। कहानी की शुरुआत जोशी की आवाज़ से होती है, जो ड्राइविंग करते हुए अपनी मॉम को कह रही होती है कि वो इतने दूर घर में रहकर भी ठीक रहेगी। वो घर सिटी से बहुत दूर था। फिर दिखाया जाता है कि जोशी एक बेबी सीटर है और वो एक बच्ची सोफी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। जोशी को सोफी कहीं नहीं मिलती। उसे एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि वो क्रिसमस डे, मगर वो पार्टी के लिए नहीं जाती क्योंकि उसे बेबी सीटिंग करनी थी। अचानक उसे स्टोर रूम की लॉक पे लगी हुई नजर आती है। वो वहां जाकर देखती है कि सोफी कबोर्ड में छिपी हुई थी। जोशी उसे ढूंढ लेती है और उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे कुछ हो सकता था। वो उसे बताती है कि उसने पिज्जा ऑर्डर किया है जो आता ही होगा। तभी डोरबेल बजती है और जोशी डोर खोलती है। वो देखती है कि सोफी के पेरेंट्स रिक और जेन पार्टी से जल्दी आ जाते। रिक एक फेमस सिंगर था। वो बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर सैडी और पेज भी आ जाते हैं। और सैडी और जोशी स्कूल फ्रेंड थी और एक दूसरे को जानती थी। पेज भी उनके साथ था, मगर वो जोशी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बच्चों जैसे ड्रेसिंग करती थी और बाकी गर्ल्स की तरह फैशनेबल भी नहीं थी। वो उसका मजाक उड़ाता है। दिखाया जाता है कि सैडी अपना स्टोर खोलने का प्लान करती है और उसे जोशी की पहनी हुई हैंडमेड बेल्ट बहुत पसंद आती है। जोशी का काम खत्म हो जाता है इसलिए वहाँ से जाने के लिए टैक्सी बुक करने लगती है, मगर तभी सोफी आकर उसे ले जाती है और तभी जोशी का मोबाइल सोफी के अंदर गिर जाता है। जोशी सोफी को काउंटिंग करने के लिए कहती है और खुद सेलफोन ढूंढने लगती है। वो टेबल के नीचे जाती है तभी डोरबेल बजती है और रिक दरवाजा खोलता है। एक लड़का किम रिक के सर पर बहुत जोर से मारता है और वो गिर जाता है। पेज जो गिटार प्ले कर रहा था वो किम के सर पर गिटार मारता है और किम उसे शूट कर देता है। जेन सोफी को लेकर भागने लगती है, मगर ब्रूट उन्हें पकड़ लेता है और फिर उनकी थर्ड पार्टनर एक वुमेन आती है। किम सैडी को शूट कर देता है और वुमेन पेज को मार देती है। जोशी यह सब टेबल के नीचे देख रही थी और वो बहुत डर जाती है। फिर दिखाया जाता है कि उन सबको लिविंग रूम से ले जाते हैं। किम दो बैग टेबल पे रखता है और कुछ सामान निकालने लगता है जिसमें घर का मैप भी होता है। वहाँ उन तीनों को चेयर के साथ बांध दिया जाता है। सोफी बहुत डरी हुई होती है। जेन उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर वो वुमेन उसे बहुत डांटती है। ब्रूट जेन के मुंह पे टेप लगाने लगता है, मगर वो उसे बाइट कर देती है, जिस पर ब्रूट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका सर टेबल के साथ मारता है और वो बेहोश हो जाती है। वो वुमेन ब्रूट को डांटती है कि उसे उनकी ज़रूरत है और वो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। फिर दिखाया जाता है कि रिक को किचन में लाया जाता है जो लिविंग रूम के साथ ही था। वो ब्रूट और किम से कहता है कि वो उन्हें सब कुछ देने को तैयार है, मगर उसे और उसकी फैमिली को छोड़ दे। किम उसे चुप करने को कहता है और वो जोशी को टेबल के नीचे देख लेता है, मगर वो चुप रहता है। रिक फिर कहता है कि वो जो चाहते हैं ले ले। ब्रूट इस बात पे उसकी फिंगर तोड़ देता है। ब्रूट ऊपर चला जाता है। जोशी बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलती है और बाहर जाकर ट्री पर चढ़ने लगती है। वहाँ किम रिक से घर के बारे में पूछ रहा था और उसे कुछ आवाज आती है। वो समझता है कि यहाँ कोई है, मगर तभी वहाँ वो वुमेन आ जाती है। ब्रूट दीवार तोड़ने लगता है। वुमेन किम को कहती है कि उसने बस ये आवाज सुनी है और इस घर में कोई भी नहीं है। किम उन तीनों को म्यूजिक रूम से ले आता है। वहाँ जोशी भी घर की छत से घर में इंटर हो जाती है। ब्रूट के पास वो वुमेन आती है और उसे कहती है कि वो सही दीवार तोड़े। वहाँ जोशी को भी एक मोबाइल मिल जाता है, मगर वो स्विच ऑफ था। वो जिस रूम में थी वहीं ब्रूट और वो वुमेन आ जाते। जोशी बाथटब में छुप जाती है। ब्रूट वहाँ एक दीवार तोड़ने लगता है। दूसरी ओर किम एक ब्लेड से रूम के कारपेट को काटना शुरू कर देता है। वहाँ ब्रूट के हाथ में दर्द होता है जहाँ जेन ने उसे काटा था। वुमेन उसे कहती है कि वो अपना काम याद करे कि वो यहाँ क्यों आए। आज वो इस फैमिली को खत्म कर देंगी और ये घर उन्हें अपने अंदर ले जाएगा। ब्रूट को कुछ इमेज आती है जिनमें एक बॉक्स, कुछ मार्क्स और स्लेश दिखाए जाते जिनके मुँह पे मास्क लगे थे और एक बॉक्स के पास बैठे थे। वुमेन ब्रूट को कहती है कि वर्चुअल तब पूरा होगा जब उन तीनों का, यानी रिक, जेन और सोफी का खून ब्लैक मास से गिरेगा। जोशी यह सब सुन रही थी। तभी डोरबेल बजती है और वो सब नीचे चले जाते हैं। वो पिज्जा बॉय था। वुमेन उसे पिज्जा ले लेती है और जाने के लिए कहती है, मगर वो रिक की फोटो देख लेता है और वो उसका बहुत बड़ा फैन था। वो घर के अंदर जाने लगता है, मगर वो वुमेन उसे बाहर निकाल देती है। वो बाहर जाकर उस घर की फोटो लेता है जिसमें जोशी विंडो में खड़ी नजर आ जाती है। वुमेन को गुस्सा आता है और वो उसको कर देती है, मगर वो जंगल की तरफ भागने लगता है। किम जब म्यूजिक रूम की जमीन की खुदाई कर रहा था, शूटिंग की आवाज सुनकर वो भी बाहर आ जाता है। ब्रूट पिज्जा बॉय को मार देता है और उसके मोबाइल में जोशी को देख लेता है। वहाँ जोशी म्यूजिक रूम पहुँच कर उनकी हेल्प करने लगती है, मगर तभी ब्रूट सबको बता देता है कि घर में कोई और भी है और वो अंदर आ जाते हैं, पर जोशी उन्हें नहीं बचा पाती। वुमेन जोशी को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती, मगर फिर उसे छोड़ देती है क्योंकि जेन की हालत बहुत खराब थी और वो जेन की जगह जोशी को विचुअल के लिए यूज कर सकते थे। जोशी को लिविंग रूम में बंद करके वो चली जाती है। वो रिक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो दुनिया को न्यू बनाएगी और अब ये लव वगैरह नहीं मिलेगा और सब अपनी डिजायर खुद पूरी कर सकेंगी। वो जमीन में एक बॉक्स देखती है और बहुत खुश होने लगती है। वो उसे खोलती है।
वहाँ सैडी उठ जाती है और जोशी उसे टेबल पे पड़े नाइफ मंगवाती है। सैडी उसे नाइफ देकर बेहोश हो जाती है। वो सैडी को अपने कपड़े पहना कर चेयर पर बिठा देती है। किम वहाँ आता है और उसे शक होता है। वो चेयर पर देखता है और उसे पता चल जाता है कि जोशी गायब है। जोशी एक बेसबॉल बैट पकड़ लेती है। किम उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि वो बहुत वीक है। जोशी ड्रामा करने लगती है और उसकी बात पर एग्री करती है। फिर वो उसे बहुत मारती है और छत से नीचे फेंक देती है और वो मारा जाता है। फिर वो किचन में जाकर एक मैकेनिज्म सेट करती है। वुमेन को दिखाया जाता है जो सोफी को कहती है कि वो उसके साथ रहेगी। फिर वहाँ एक बॉक्स से कुछ खतरनाक आवाज आने लगती है जिसे सुनकर सोफी डर जाती है। जोशी को मोबाइल का चार्जर मिल जाता है और वो उसे चार्जिंग में लगा देती है। तभी ब्रूट वहाँ आता है और वो दीवार से बॉक्स निकालता है जिसमें मास्क थे जो रिक सोफी और जेन के मुंह पे लगाने थे। उसे मोबाइल की आवाज आती है और वो मोबाइल तोड़ देता है। वो जमीन पे ब्लड देखता है और हाथ धोने जाता है। जोशी मौका देखकर उस पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है, मगर उसे फौरन ही होश आ जाता है और वो जोशी के पीछे भागने लगता है। वो किचन में जाता है और एक तार के साथ टच होता है और तभी उसके सर पर बोतल गिरती है और वो गिर जाता है। आवाज़ सुनकर वो वुमेन भी वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि ब्रूट ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसे गोली मार देती है। बाद में उसे पता चलता है कि यह सब वो बेबी सिटर जोशी ने किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोशी के पीछे भागने लगती है। फिर वो उसे आवाज़ देती है कि वो नीचे आ जाए। जोशी वो मांस वाला बॉक्स लाती है और वो उसे डराती है। वुमेन वहाँ से चली जाती है और वो सोफी को ले आती है जो रस्सी खोल के बॉक्स के पास देख बैठी होती है और वो उसे ही घूर रही होती है। वो सोफी को लेकर उसे कहती है वो सोफी को मार देगी, मगर जोशी आंसर नहीं करती। वुमेन सोफी को लेकर स्टोर रूम में उसे ढूंढ और कबोर्ड में देखती है, मगर वो वहां नहीं मिलती। जोशी नाइफ से वुमेन के गले पर हमला कर देती है और कहती है कि वो 10 सेकंड में मर जाएगी। वो जोशी को धक्का देकर सोफी को नाइफ से मारने ही लगती है, मगर जोशी अपना हाथ आगे कर देती है और नाइफ उसके हाथों से आर पार हो जाता है। मगर 10 सेकंड हो जाते हैं और वो वुमेन मर जाती है। जोशी सोफी को लेकर नीचे जाती है, मगर अब सोफी को कुछ अजीब दिखाया जाता है और वो कहती है कि अब वो कैरी ऑन करेगी। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।